घर में एसी, कूलर या हीटर चले तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इस बार बिजली का बिल ज्यादा आने वाला है। बढ़ते बिजली के बिल की टेंशन हर किसी को रहती है, लेकिन अब ऐसी एक टेक्नोलॉजी आई है जिससे बिजली के बिल की टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर हम कहें कि घर की खिड़की बिजली पैदा करेगी तो जाहिर तौर पर आप इसको मजाक मानेंगे और हंस पड़ेंगे, लेकिन यह सच है। आइए जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। ज्यादा बिजली के बिल की समस्या का सिर्फ एक ही हल है और वो है सोलर पावर। कई घरों में अब सोलर पैनल लग रहे हैं, साथ ही घरों की खिड़कियों ने इसका काम आसान कर दिया है। हर घर में खिड़कियां तो होती ही है और उस पर कांच भी लगा होता है। हाई राइज बिल्डिंग्स में तो सबसे ज्यादा खिड़कियों और कांच का इस्तेमाल होता है। अगर वो कांच बिजली पैदा करने लगे तो हमारा सारा काम आसान हो सकता है, साथ ही पावर सप्लाई के लिए हमारे पास एक और सोर्स मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंट सोलर विंडोज एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से खिड़की और बालकनी में आने वाली धूप का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है। पैनल्स स्पेसिफिक यूवी और इंफ्रारेड लाइट वेलवेंट्स को सोख लेते हैं। इन वेलवेंट्स को एनर्जी में बदलकर डिवाइस लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को फोटोवोल्टिक ग्लास भी कहते हैं। 2014 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने पहला ट्रांसपेरेंट सोलर कंस्ट्रक्टर तैयार किया था। ये ग्लास शीट या खिड़की को पूरी तरह पीवी सेल में बदल सकता है। दो साल पहले तक यूएस और यूरोप के वैज्ञानिकों ने 100% ट्रांसपेरेंट सोलर ग्लास तैयार किए। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी काम की है। हाई राइज बिल्डिंग्स में बड़े बड़े ग्लास का इस्तेमाल होता है। यहाँ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे हमारी ज्यादा बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।